खुद के लिए तालियां मारो बॉयज, खुद के लिए तालियां मारो, बिकॉज दिस इज द फोर्थ टाइम इन अ रो तुम विदाउट फेल इतने गंदे क्वेश्चंस पूछते रहो। मुझे गुस्सा आता है तुम लोग पे। आई एम किडिंग, थैंक्स अ लॉट क्वेश्चंस भेजने के लिए। हाय बॉयज, कैसे हो? तो वेलकम टू आवर वीकली Q&A। मैं सीरियस में इसके साथ ही बोल ही नहीं पा रहा। जो भी इस चैनल पे लॉन्ग इनफ के लिए रहा है उनको पता है हम वीकली Q&A करते हैं। तुम कमेंट सेक्शन में को रोस्ट करने वाले हो, बट इस बार मेरी बारी है तुम लोग को रोस्ट करने के लिए, बिकॉज विदाउट फेल तुम लोग हर टाइम इतने कंट्रोल है जी, कंट्रोल। तुम लोग बहुत रिपीट क्वेश्चंस पूछते हो यार, देन आई एम लाइक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट काफी है क्वेश्चंस। मैं पहली बार खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई Q&A वीडियो, नॉर्मली सौरभ सब मेरे दोस्त मेरी हेल्प करता है, एंड इस बार मैंने खुद सेटअप किया। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर बॉय, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ठीक है सब। तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो, अभी तक 10K नहीं पहुंचे, मुझे गुस्सा आ रहा है, बट लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बस नॉर्मली पढ़ने वाला क्वेश्चन और आंसर करने वाला हूँ, थोड़े क्वेश्चंस रिपीट होंगे और सॉरी मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। एंड जिसने भी सेटअप ऐसे कुछ फोर्टनाइट रिलेटेड सब ज्यादा पूछा है ना, तुम लोग ब्लॉक हो रहे हो मेरे चैनल से। नेक्स्ट टाइम मेरे को मेरे लाइफ के बारे में पूछो यार, ये Q&A फोर्टनाइट के लिए नहीं है, तुम सेटअप ही पूछते रहे तो नहीं बताऊंगा सेटअप। ओके लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी गुड। What personality trait has gotten you in the most trouble? Hashtag #askaji. Oh God, ये बहुत अच्छा question है खेल लो। I don't know तू इतना creative कैसे हो गया। Personality trait as in I'm very friendly and smiley I guess. तो इसलिए मैं हमेशा teachers में को हमेशा class में वो बदमाश kid समझते हैं कि जो वो हमेशा मस्ती करेगा तो हमेशा मेरे पे आग डालते रहता है, हमें पता है तू कुछ करने वाला है। बट एक्चुअली मैं बस उनको देख के स्माइल कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज में एक टीचर मेरे को बोलता है तो वो बस कुछ पढ़ा रहा है और मैं ऐसे था वो टीचर मुझे पूछता है तो स्माइल क्यों कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट लाइक ब्रो मैं हंसमुख हूँ ब्रो, लाइक टीचर्स को जो तुम सीरियस बैठोगे मैं ऐसे बैठू क्लास में, यस मैम चुप कर भाई, सॉरी टीचर अगर आप ये देख रहे हो। व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट यू हैड इन स्कूल? आई फील लाइक मेरे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं थे, बिकॉज मैंने कभी ऐसे सुसू नहीं किया अपने चड्डी में, कभी पॉटी सब नहीं किया। आई डोंट नो मैं क्यों बोल रहा बट आई डोंट थिंक मैंने कभी किया, बट मैं काफ़ी टाइम तक अपना बेड वेट करता था। मैं तुम लोग के साथ ज्यादा शेयर कर रहा हूँ ना, मैं ये आंसर नहीं करने वाला, जाओ तुम लोग, मैं नहीं आंसर कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन उमेर जावेद का है, वो पूछ रहा है आर यू गे, एंड मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, आई डोंट नो डू आई लुक गे, हाँ देख मैं आंसर नहीं करूँ, आई एम किडिंग, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं काफी स्ट्रेट हूँ। ऑल्सो आई डोंट नो लोग क्यों पूछते रहते हैं, इज दिस सम मीम, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकराइट का, वो पूछ रहा है आफ्टर अ मोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स वुड यू मेक मर्च फॉर 10 इयर्स ओल्ड और एल्डर। सो एक प्रॉब्लम हुआ था लास्ट टाइम जब हमने मर्च किया था, तो हमने एक फैक्टर मैं भूल गया था, लाइक मैं कंसिडर कर रहा था कि मेरे साइज का एंड ऑल, बट मैं एक चीज भूल गया, तो लाइक मेरी आधी ऑडियंस 12 टू 18 के एज रेंज में, एंड आई डोंट थिंक उनको फिट आया था, जिनको भी मर्च मिला उनके लिए बहुत लंबा था, लाइक ओवरसाइज था। सो पिक्चर्स ऑफ 13 इयर्स ओल्ड जो मेरा मर्च पहन रहा है और इतना बड़ा बड़ा, पर बहुत फनी था, इट्स फाइन, मतलब आई थिंक कंफर्टेबल, आई थिंक लूज क्लोथ्स आर कंफर्टेबल। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन मैकराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष बाफना का, #askaji, डू यू एंजॉय स्ट्रीमिंग ओवर मेकिंग वीडियोस और इज इट द अदर वे? इट इज द अदर वे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम शर्मा का, उसका क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट यू एवर रिसीव्ड? तो लाइक नॉर्मली लाइक आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, बट दोस्तों के बीच में लाइक आई डोंट नो तुम्हारे एज पे, बट हमारे एज पे ऐसे होता है दैट वी डोंट गिफ्ट ईच अदर उतना अनलेस थोड़ा ऐसे सेंटिमेंटल वैल्यू सब है। तो लाइक दिस बर्थडे पे मेरे एक दोस्त गगन ने लाइक मेरे को एक सन, जब भी मेरे को कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है ना, आई डोंट नो वाई मेरी मेड वो वॉशिंग में डाल देती है, आई डोंट नो क्यों हमेशा होता है, आई डोंट नो यार क्यों कर रही है ये ऐसा मेरे साथ। बट मेरे दोस्त गगन ने मेरे को एक हुडी दिया था जिसपे रोटर 10 के लिए लिखा था पीछे, लेके यहाँ लोगो सब था, आई थिंक तुमने बहुत मेरे वीडियो सब में देखा, बट दैट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम, एंड इसलिए तुम मेरे को पूछते हो कि तुम वो सेल पे क्यों नहीं डाल रहे, लाइक वी वॉन्ट द हुडी, बट ऑब्वियसली मैं दे नहीं सकता, अब तुम्हें पता है क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन जशन एको का है, तो उसका क्वेश्चन है #askaji, व्हाट आर यू गोना डू व्हेन यू रीच 10K सब? तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही चीजें प्लान है ठीक है, मैं तुम्हें बस थोड़ा हिंट दे सकता हूँ क्या क्या है। जर्नी वीडियो ऑब्वियसली आएगी, तो मैं पता है मैं कैसा, आई एम ऑल अबाउट द जर्नी, हमने 1K जर्नी बनाया, हमने 2K जर्नी बनाया और उसके बाद हमने जर्नीज नहीं बनाया, बट हम 10K जर्नी ऑब्वियसली बनाएंगे, इट्स अ बिग माइलस्टोन। मेरे से सबको लग रहा होगा 10K इज नॉट दैट बिग, बिकॉज तुम्हें पता है स्ट्रीमर जो 1 मिलियन सब पे, बट आई थिंक 10K बहुत बड़ा अमाउंट है, जो भी मेरे से स्टार्टिंग होती जर्नी से रहा है उनको पता रहेगा कि टाइम लगता है यहाँ पहुंचने में, एंड आई थिंक 10K हम रिलेटिवली फास्ट पहुंचे तुम लोग के सपोर्ट की वजह से, थैंक्स अ लॉट, लव यू गाइस। Flying kiss थोड़ा weird था, इसलिए तुम लोग मेरे से पूछते रहते are you gay and सब, but I love you guys, okay? Full homo, shut up.
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन विस वत्सल का है. तो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बहुत सिमिलर था. लाइक तुम में से बहुत सारे लोगों को जानना है कि हाउ डिड आई कन्विंस माय पेरेंट्स कि मेरे को यूट्यूब करना है. तो आई थिंक तुम्हें बस बैठ के बात करनी है एंड तुम्हारे पेरेंट्स को भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए तुम्हें, बट तुम्हें उनको बैठ के समझाना पड़ेगा एंड तुम्हारे पास थोड़ा प्लान होना चाहिए कि तुम्हें फ्यूचर के लिए क्या चाहिए. बिकॉज एंड में उनको नहीं चाहिए कि तुम बस वो जोश में ये कर रहे हो कि मेरे को करना है. जिद नहीं होना चाहिए बेसिकली. यू शुड एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. उन्हें देखना चाहिए कि तुम मेहनत कर रहे हो फॉर व्हाट यू वांट टू बिकम एंड ऑल. अगर तुम्हें बहुत पसंद है यू विल ऑलवेज फाइंड आउट अ वे टू डू व्हाट यू लाइक. मैं तो बहुत रोया हूं पता है ये सब में. मैं कुछ ज्यादा ही रोया. मैंने बोला था इंजीनियरिंग के बाद मेरे को ब्रेक ईयर सब लेना है एंड स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स थोड़े शौक थे कि तुमने इंजीनियरिंग किया. उसके बाद वो ऑब्वियसली हो ही गई मतलब. बिकॉज मेरे को पहले अब्रॉड जाके गेम डिजाइनिंग सब करना था बट मैंने वो भी ट्राई किया बट मेरे को मजा नहीं आ रहा था. थोड़ा होता है बिकॉज जॉब्स एंड ऑल में सिक्योरिटी है ना. यूट्यूब सब लाइक हो सकता है कभी मेरा चैनल डेड हो जाए सब. बट मैं बहुत रोया हूँ पता है लाइक. तुम्हें पता भी नहीं होगा मैं इतना स्माइली लगता बट बिहाइंड द कैमरा मैं बहुत रोता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप तुम्हें समझ आया एंड आई होप तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन है IGD सैक का और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. हैशटैग अजी हाउ डिड यू डील विद द हेट आउट. तो स्टार्टिंग में जब मेरे को डिसलाइक सब आते थे कभी कभी लाइक जब मैं रोस्ट वीडियो बनाता था एंड देन वो रोस्ट वीडियो के क्रिएटर का ऑडियंस मेरे पास आता था और कभी कभी हेट एंड डिसलाइक्स एंड ऑल. तो स्टार्टिंग में तो भाई ऐसा लगता है ना मतलब कि इट्स लाइक बट उसके बाद आई थिंक आदत सी बढ़ जाती है लाइक इट्स फाइन. लाइक अगर तुम्हारे पास हेटर्स नहीं है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. हैशटैग ये मेरा कोड है. हेटर्स होना नॉर्मल है लाइक एवरीवन वोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग एंड यू शुड बी फाइन विद दैट. तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको क्यों नहीं पसंद है. मैं इसको पसंद करवाऊंगा बट फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. एंड ऑफ द डे पे अगर तुम्हारे पास सपोर्टर्स भी है द हेटर्स यू नो व्हाट आई मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सी का. हैशटैग आस्क जी हैव यू एवर broke someone's heart. मैक्सी तो पहले इंग्लिश सही भाई. इट शुड बी हैव यू एवर ब्रोकन समवन्स हार्ट. इसको भाई लिखना ही नहीं है. इसको इंग्लिश सिखाओ यार तुम लोग पहले. एंड नहीं ब्रो मैं ऐसा कभी किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा. मैं बहुत अच्छा बनता हूँ. मैक्सी तू तो रुक बहुत हिट्स ले रहा है ना. गाइस तुम्हें पता है मैक्सी के क्रश का नाम क्या है. इट्स हाँ क्या हुआ फटी ना चुप कर अभी. प्रक्सनित सेती का क्वेश्चन है हु डिड मोटिवेट यू द मोस्ट टू कीप मेकिंग वीडियोज. आई फील लाइक तुम लोग ही मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हो. बिकॉज जब मैं कॉमेंट सेक्शन में अच्छे कॉमेंट्स सब देखता हूँ आई डोंट थिंक तुम्हें समझ आता है बट इवन मैं हर कॉमेंट पढ़ता हूँ लाइक. तुम्हें पता है बिकॉज मैं हर कॉमेंट हार्ट करता हूँ और मैं एक्चुअली बैठ के पढ़ता हूँ हर कॉमेंट. लोगों के एक वीडियो पे बहुत सपोर्ट आता है फिर उसके बाद इट्स जस्ट बेयरली एनी सपोर्ट. बट तुम लोग कंसिस्टेंट हो और तुम लोग जो भी स्टार्टिंग से थैंक्स अ लॉट. आई जस्ट वांट टू से ओह माय गॉड ऐसा लग रहा है मैं सेंटी हो रहा हूँ. मैं रोने वाला तुम लोग मत रो बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय प्रथम शर्मा. Are you single by your own choice? Yes, I am single by my own choice. तुम लोग मेरे को रुलाना है. तुम लोग हर टाइम मेरे को एक गर्लफ्रेंड तुम्हें लगता है कि मेरे को गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या. ये शक्ल देखो. आई थॉट मैं क्यूट सा बच्चा बट मेरे को ओमेगल पे पता चला कि मैं नहीं हूँ. मैं थोड़े टाइम के लिए सिंगल रहूंगा बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है. आई नो तुम लोग बोलोगे एक्सक्यूज है इसको लड़कियाँ नहीं मिलती बट मेरे पास नहीं है टाइम गाइस. नमन FN का क्वेश्चन है. हैशटैग आस्क जी हाउ डिड यू गेट द आइडिया ऑफ योर चैनल नेम. कुछ ऐसे अच्छा सा बैक स्टोरी नहीं है उसके बारे में. इट्स बेसिकली मेरे को चाहिए था कि मेरे नाम के पहले लाइक अजी के पहले कुछ ऐसा है जैसे नमन नल्ला नमन. आई मीन ये बुरा एग्जाम्पल था बट यू नो व्हाट आई मीन. एन अमेजिंग अजी मेरे को नाम उतना पसंद नहीं है. मेरे को चाहिए मैं अपना नाम अजिंक्य शेट्टी करूँ बट आई फील लाइक अभी तो मैं अमेजिंग अजी पता है तो फिर मैं अजी रखता हूँ मतलब. चलता है तो मैं चाहिए मैं अजिंक्य शेट्टी रखोगे अपना चैनल नेम. मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सहराज का. इज गोइंग इन टू माई लव लाइफ. हैशटैग आस्क जी टेल अबाउट योर क्रश एंड हर नेम इन स्कूल टाइम्स. ओके तो आई डोंट नो मैं तुम्हें स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज तुम एंड तक बोलोगे हाँ हाँ शिट ऑन अजी बट लेट्स गो फॉर इट. तो बेसिकली मेरे को 8th ग्रेड में एक लड़की पसंद थी. हम उसका नाम रखेंगे रूबी रखते हैं ठीक है उसका नाम रूबी. तो बेसिकली मैं रूबी से बात करता था बट मैंने कभी उससे एक्चुअल लाइफ में बात नहीं की थी बिकॉज मैं काफी फट्टू था. यस दिस फेस वॉज अ फट्टू और अब मैं कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ जो सबसे टफेस्ट चीज़ है लाइफ का. मेरे को रूबी पसंद थी बिकॉज हम टेक्स्ट करते थे और आई थिंक वो एक ही लड़की थी जो मेरे से अच्छे से बात करती थी. और ये 8th ग्रेड की बात है तो मैं काफ़ी बोला था. अभी तुम लोग सब गंदे बच्चे हो पता है 8th ग्रेड में जो भी हो ना तुम सब गंदे बच्चे हो. मैं बहुत फट्टू था तो मैंने बोला आज मैं बता दूंगा. आई एम लाइक मेरा हार्ट पम्प हो रहा है. आई एम लाइक तुम्हें बताना वो फीलिंग क्या होता है. बट बेसिकली आई एम लाइक आई टेक्स्टेड और ओके लिसन रूबी
I need to tell you something since a very long time. I have liked you since 3 weeks. I really like you. Sorry, bye. And मैंने फोन फेंक के मैं भाग गया खेलने. I'm like मैं देखूंगा ही नहीं. मैं 2 घंटे अपना क्रिकेट एंजॉय करूंगा एंड उसके बाद मैं आके देखूंगा. ठीक है, फिर मैं आता हूँ क्रिकेट में हाई स्कोरर बन के. I'm kidding, मैं डकआउट हो गया. एक्चुअली डकआउट हुआ था. ठीक है, मैं बना रहा भी नहीं. मैंने इतना वेट किया अपने बैटिंग टर्न के लिए और मैं डकआउट हो गया. एंड फिर मैं उसका मैसेज खोलता हूँ एंड आई एम लाइक उसने लिखा था सॉरी बट आई लाइक यू ओनली एज अ फ्रेंड. एंड आई एम लाइक एक्चुअली मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा बिकॉज 8th grade में मेरे को वैसा क्रश था. ठीक है, अगर वो कोई सॉन्ग सुन रही है एंड वो बोले ये सॉन्ग अच्छा है तो फिर मैं वो सॉन्ग रिपीट पर सुनूंगा. मैं बहुत डम बच्चा था ब्रो 8th grade में. क्या क्या किया मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेक्स्ट गेमिंग का. हैशटैग आस्कर जी, टिल नाउ हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू डेटेड. मैं नॉर्मली ऐसे पर्सनल स्टफ नहीं आंसर करता बट चलेगा, अब हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा ना, वरना तुम सेम ही क्वेश्चन पूछते रहोगे मुझे. बट आई गेस 3 आई थिंक 3 राइट आंसर होगा. 3 प्रॉपर आंसर है ना. 3 इज लेस ना. आई नो बट 3 है मेरा आंसर. मैं आई डोंट नो लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. शट अप, पूछो मत इसके बारे में नेक्स्ट टाइम से. Do you think after you crossed 1000 subs, people start getting inspired by you or they start recognize you in public places or on YouTube? I think before 1000, मैं थोड़ा कुछ नहीं था, like I was nothing. But after 1000, लोग मेरे को recognize करने लगे. I think Fortnite community overall काफी better हुई. I wouldn't take credit ये तुम्हारे वजह से. But तुम लोग content videos भी ज़्यादा बनाने लगे. But in general, Fortnite community बहुत grow हुई है last year में at least. It's become थोड़ा less toxic. It's become like काफी लोग hard work कर रहे अपने कंटेंट में, लाइक एफर्ट डाल रहे. लाइक तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, हो सकता है तुम्हें अभी नहीं मिल रहे रिजल्ट्स, बट जैसे तुम वर्क हार्ड, मैं वर्क हार्ड की बोल, जैसे तुम लोग हार्ड वर्क करते रहोगे आई थिंक तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे. टाइम लगता है हर चीज के लिए. प्यूडीपाई को भी जहां वो है पहुंचने के लिए 10 साल लगे, मिस्टर बीस्ट को भी 8 साल लगे एंड अभी हमारा सिर्फ 1 साल हुआ है. ढंग से मतलब ग्राइंड करते हुए 1 साल हुआ है. बट यस आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अमोल जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैवेज बॉय का. हैशटैग आस्कर जी, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन अ सब्सक्राइबर मेट यू रैंडमली एंड केम टू यू लाइक अमेजिंग अजी. ओके, तो बेसिकली केस में मेरे साथ 3 इंसिडेंट हुए. फर्स्ट वाला था इमेजिका में, जब मैं मैक्सी और माइडो के साथ गया था एंड किसी ने चिल्लाया था अमेजिंग अजी. ठीक है, एंड आई एम लाइक शिट यहाँ किसी ने पहचान लिया मेरे को. बट बाद में मेरे को पता चला कि वो मेरे स्कूल के दोस्त. सेकंड इंसिडेंट हुआ था जब मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने गया था, मेनलैंड चाइना या कहीं, एंड आफ्टर आई लेफ्ट किसी ने ट्वीट किया ओ माय गॉड आई सॉ अमेजिंग अजी विद हिज फ्रेंड्स. तो आई एम लाइक शिट ये कूल था. एंड मैं सोच रहा था ये बच्चे ने आके मेरे को अप्रोच क्यों नहीं किया. मैं उसका नाम भूल गया अभी, बट आई विश वो अप्रोच करता था अभी, बट चलेगा व्हाटएवर. एंड उसके बाद एक रिसेंटली हुआ था इन मार्च एंड मैं KFC गया था. हर टाइम मैं खाने की जगह में रिकॉग्नाइज होता हूं. ऑर्डर प्लेस करने की जगह पे बात कर रहे थे, ठीक है, और मैं दरवाजे की तरफ फेस कर रहा था. आई लुक देयर एंड आई एम लाइक ये बच्चा देख रहा है मुझे, ठीक है, एंड वो ऐसे स्टेयर कर रहा है एंड उसने ऐसे वेव किया. बट मेरे को लगा मेरे को नहीं वेव कर रहा, ठीक है, पर मेरे दोस्तों ने देखा एंड आई एम लाइक आई थिंक ही रिकॉग्नाइजेस यू या कुछ, आई थिंक वो पहचानता है. सो आई एम लाइक नहीं आई डाउट, ऐसे तो मैं इतना ये नहीं हूँ अभी. एंड फिर उसके बाद लाइक ही केम इनसाइड एंड दो बच्चे भी आए, ठीक है, एंड वो लोग मेरे को देखे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूर रहे हैं एंड आई एम लाइक आई थिंक ये लोग पहचानते हैं कुछ. बट वो दो बच्चों ने कुछ नहीं बोला. फिर एक बंदा आता है और वो मेरे को बोलता है हाय योर अमेजिंग है जी ना, आई वॉच योर वीडियोज एंड ऑल. एंड फिर मैंने बोला ओ हाय थैंक्स एंड ये सब. एंड बहुत कूल मोमेंट था बिकॉज आई थिंक बहुत मेमोरेबल और थोड़ा होलसम जैसा मोमेंट था. एंड मैं भी ऑकवर्ड था इन अ वे एंड वो भी ऑकवर्ड था बिकॉज वो बच्चा एंड लाइक मेरे को थोड़ा बेटर खेलना चाहिए था वो सिचुएशन. देन इज लाइक कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू, तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली. एंड मैंने वो पिक्चर भी डाली है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आहान का. हैशटैग आस्कर जी, डिड यू गिव एनीथिंग टू योर पेरेंट्स आफ्टर योर फर्स्ट अर्निंग. तुम्हें एक्सपोज मत कर. तो मम्मा सॉरी अगर आप ये दे रहे हो, मेरे को पता है मेरे को आपको पैसे देने हैं, बट मैं देता हूँ थोड़ा टाइम में देता हूँ, आप चिल करो, आप चिल करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकर का. ये मेरे को बुली कर रहे का. वाई यू कॉपिंग अगस्त्य शाह हैशटैग आस्कर जी. ब्रो अगस्त्य शाह इज एक्चुअली अ गुड यूट्यूबर. लाइक वो वन ऑफ द इंस्टाग्राम वाले लोग हैं जिनका मेरे को कॉन्टेंट एक्चुअली अच्छा लगता है. लाइक नॉर्मली लोग इंस्टा रील से आके यूट्यूब चैनल बनाते हैं एंड उनका कॉन्टेंट बहुत आई नो ये तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट अगस्त्य शाह एक्चुअली अच्छे वीडियोस बनाता है. लाइक अगर तुमने नहीं देखा है मैं उसका डिस्क्रिप्शन डालूंगा नीचे. शाउट आउट टू अगस्त्य शाह. मैं इसको क्या शाउट आउट दूं, बट व्हाटएवर उसका चैनल काफी अच्छा है, वो एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता है. एंड देवकर, यस आई लाइक हिम, ही इज अ गुड गाय एंड उसके वीडियोस अच्छे, इट्स फनी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस का, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट नो आइडियाज इन योर माइंड फॉर कंटेंट विद्स। ओके, ये एक्चुअली बहुत अच्छा वीडियो है बिकॉज लाइक लोग मेरे को हमेशा पूछते हैं हाउ डू यू गेट दीज आइडियाज एंड ऑल, तो तुम अपना वे ट्राई कर सकते हो, हर बंदे के अलग रहता है, बट फॉर मी इट्स बेसिकली मैं अपने दोस्तों को मिलता हूँ एंड फिर हम एक साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडियाज। तुम्हें पता है अगर तुमने वो रनिंग वाली वीडियो देखी है जिसमें हमें रैंडम प्लेस पे ड्रॉप ऑफ करते हैं एंड हमें फिर घर पहुंचना है, वो एक्चुअली मेरे दोस्तों का ही आइडिया था। लाइक दे वर लाइक तूने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया, तू कल जाके शूट कर रहा है, हमें पता नहीं, दे थॉट ऑफ दिस आइडिया एवरी लाइक वी विल डू 10 मीटर्स और व्हाटएवर एंड उन्होंने हमें ऑब्वियसली अगर तुमने वीडियो देखा तो हमें पता है क्या होता है, मैं बुली होता हूं बहुत ज्यादा, मैं मर जाता हूं, बट यू नो हाउ अजिंक्य इज, वी डोंट बैक आउट फ्रॉम द चैलेंजेस बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी एसिड का, हैव यू एवर हैड अ ड्रीम दैट यू कुड नेवर गोना गिव यू अप, नेवर गोना लेट यू डाउन, क्या Have you ever had? ये skip करो। Have you ever had a dream that you could? Oh my God, मेरे को पढ़ने नहीं हो रहा है bro। ये English का दया कर दिया इसने। You could never give, gonna give you up, never let. Oh my God, नहीं। Bro, नहीं, 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 Bro, there's no way मैं रिक रोल हो अभी, there's no way, bro, इसको ब्लॉक करो, BBC acid, you're getting blocked from my channel, right, मैं भी ब्लॉक करूंगा इस बच्चे को, ठीक, एंड मैंने तीन बार पढ़ा है वो honestly, मैं काटूंगा bro ये सब। ओके गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और ये लास्ट क्वेश्चन है बाय माय वन एंड ओनली ब्रदर माइसी माइन हैशटैग आस्का जी, डू यू वांट टू हिट 10k बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इफ यस डू द ड्रूप डांस फ्रॉम फोर्टनाइट। ब्रो तुम्हें बस चाहिए मैं नाचूं, तुम्हें बस चाहिए मैं नाचूं, तुम्हें जब से पता चला ना कि मेरे पास ये ट्रॉफी है डांस वाला, तुम्हें बस चाहिए मैं नाचूं, बट यू नो व्हाट, आई विल डू इट, आई डोंट बैक आउट फ्रॉम योर चैलेंजेस, देयर इज नो वे मैं ये एक्चुअली डांस करूंगा। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट सबको जिसने क्वेश्चन भेजे एंड सॉरी अगर मैं वो आंसर नहीं कर पाया, एंड नेक्स्ट क्यू एन ए के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा ही ऑसम प्रिपेयर्ड है, पर मेरे को चाहिए कि तुम लोग अपना फुल अटेंडेंस दो वहाँ पे, तो मेक श्योर करो तुम आओ वरना मैं तुम्हें फेल करने वाला हूँ क्लास में। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द सपोर्ट जो तुमने रिसेंटली दिखाया, हम ट्राई कर रहे 10k हिट करने का बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो आई डोंट थिंक होगा बिकॉज बाय द टाइम ये वीडियो आए हमारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे अनलेस तुम लोग मैजिक करो, बट दैट्स इट फॉर टुडे, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय। You started to rock this.